हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैतीस रेसिपी। फ्रेंड्स, लॉकडाउन में आपको सब्जी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी गर्मियों में भी सब्जी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसे टाइम पे अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, तो ऑप्शन में आप ये सब्जी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, जो है मूंगफली की सब्जी। बहुत ही इजी, झटपट से बन जाने वाली और एकदम ही टेस्टी ऐसी मूंगफली की सब्जी। तो ये मेरा ट्यूटोरियल वीडियो है, इसीलिए मैं ये स्टेप बाय स्टेप और एकदम इजी तरीके से बता रही हूँ। मूंगफली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कप जितना मूंगफली लगेगा। कच्चा वाला मूंगफली लिया है मैंने, जिसे रोस्ट किया हुआ नहीं है, अभी हम इसे रोस्ट करेंगे। उसके साथ 2 छोटे साइज़ के बारीक कट किया हुआ ऑनियन है, 2 हरी मिर्ची है जो कम तीखा है, 1/4 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर है और 1/4 छोटा चम्मच जितना अमचूर पाउडर है। उसके साथ सूखे मसाले, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, राई और जीरा तड़के के लिए, और ऑयल है वो तड़के में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें मूंगफली को रोस्ट कर लेना है और ड्राई रोस्ट ही करना है इसे। इसे हम बिल्कुल भी ऑयल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे इसमें। एक कढ़ाई में मीडियम आंच पे हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मूंगफली को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए रोस्ट करना है ताकि वो इवनली रोस्ट हो। और मूंगफली जब भी रोस्ट होगी ना, तभी चटकने की आवाज़ आएगी और जो मूंगफली है वो बीच में से खुल जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें बीच में से दाना जो है वो खुल गया है। आप देख सकते हैं मोस्टली बहुत सारे दाने जो है वो चटक गए हैं, वो बीच में से खुल गए हैं। तो बस ये साइन है मूंगफली रोस्ट होने का। तो हम गैस को टर्न ऑफ करेंगे और थोड़ी देर और भी कढ़ाई में मिक्स करते रहेंगे ताकि कढ़ाई जो है वो गर्म है, ताकि मूंगफली जो है वो जल ना जाए, या तो फिर आप इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम कढ़ाई में से मूंगफली को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आता है मूंगफली। उसके बाद इसे हम दरदरा चूरा करेंगे। मूंगफली के दाने जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, तो अभी हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें बिल्कुल दरदरा भी नहीं रखना है, एकदम मोटा मोटा भी नहीं और एकदम बारीक पाउडर भी नहीं। दरदरा इसके इसे हमें कूटना है, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा जो मूंगफली का पाउडर है वो रेडी है। अभी हम इसे तड़का देंगे। एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे। उसके अंदर हम जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके अंदर राई और जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है उसके अंदर 1/4 चम्मच जितना, छोटा चम्मच है, 1/4 चम्मच जितना राई ऐड करेंगे। और राई जैसे ही चटकता है उसके बाद 1/4 छोटा चम्मच जितना जीरा। ये दोनों ऐड करने के बाद उसके अंदर हम कटा हुआ मिर्ची ऐड करेंगे। कटा हुआ मिर्ची और उसी के साथ हम प्याज भी ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से पहले सौते करना है। अब
देख सकते हैं हल्का पिंक हो गया है ऑनियन, और बस वो कुक भी हो गया है। इसके अंदर हम सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। पहले हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 2 चम्मच छोटी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर और नमक, नमक अराउंड 1/2 छोटा चम्मच। ये मिक्स हो गया है और हल्का सा सोते होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और आमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, हल्का हल्का ऑयल भी रिलीज होने लगेगा जैसे ही हमारा मसाला सोते हो जाएगा। उसमें ऐड करेंगे हम आमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर। 1/4 चम्मच जितना ही हमने आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। आमचूर पाउडर अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप उसके बदले नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नींबू का रस फ्रेंड्स हमें ऐड करना है एकदम लास्ट में, जब भी हमारी सब्जी गैस पे से नीचे उतार लेंगे उसके बाद हम ये ऐड करेंगे। तो ये रेडी है, बस अभी हम ऐड करेंगे पानी। जितना हमने मूंगफली लिया था वही बर्तन में हम पानी लेंगे, उतना ही पानी हम ऐड करेंगे। बस अभी हमें इसे उबालने देना है, उसके बाद ऐड करेंगे हम मूंगफली का पाउडर। फ्रेंड्स, जैसे ही ये उबलने लगे उसके अंदर ऐड करेंगे हम दरदरी पिसी हुई मूंगफली, और बस इसे कवर करके कुक करेंगे। एक बार पहले मिक्स कर लेंगे और फिर कवर करके इसे हम कुक करेंगे जहाँ तक पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गई है, बस ये हमारी सब्जी जो है वो रेडी है। ऑलमोस्ट इसका पानी जो है वो पूरा सूख गया है, देख सकते हैं आप। 1 मिनट के लिए हम सूखा ही ओपन ही इसे हम रोस्ट कर लेंगे जरा हल्का हल्का, और जैसे ही इसमें से ऑयल रिलीज होगा तो हमारी सब्जी जो है वो तैयार है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी एकदम ही रेडी है सर्व करने के लिए। गैस को टर्न ऑफ करेंगे और उसे सर्व करेंगे रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सब्जी है फ्रेंड्स ये, बनने में भी इतनी आसान और खाने में उतनी ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, देखा ना, जब भी हमारे घर पे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है तो आप आराम से घर में रोटी सब्जी बना सकते हैं। डोंट वरी, बी हेल्दी, बी सेफ और घर पे ही रहिए। देखते रहिए मेरा चैनल 33 रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और प्लीज़ 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 मेरे ये ट्यूटोरियल्स वीडियो आप अपने फ्रेंड्स जो अकेले रहते हैं जिन्हें कुकिंग नहीं आता है उनको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि वो अपने अपने घर में रह के अपनी भूख को संतोष सके। थैंक यू।